नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। 4 और 5 नवंबर को DFI जयपुर डायलॉग्स 2023 के लिए तैयार रहें। जी हां, अब हमारे पास एक टाइटल स्पॉन्सर भी हैं, धर्मांश फाउंडेशन ऑफ इंडिया DFI, और QR के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, सेशन स्पॉन्सर्स भी कर सकते हैं। QR आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जो इस समय आप इज़राइल से फ़ोटो आते हुए देख रहे हैं, जो वीडियो आते हुए देख रहे हैं, जो आपको एक्स पर यानी जो पुराना ट्विटर था उस पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो आप केवल इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ट्विटर को एलन मस्क ने ख़रीद लिया। वरना यदि वही पुरानी स्थिति होती और वही जैक होता तो आपको क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ भी ये पश्चिमी मीडिया जो है वो बताने नहीं देता। और उस समय BBC, आपका CNN, आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सारे के सारे जो हैं वो हमास के समर्थन में खड़े होकर और इसराइल की निंदा करते रहते, जैसा कि इस समय हमारे एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जिस प्रकार का आपको महिलाओं और बच्चों के साथ जो अत्याचार दिख रहा है, जिस प्रकार वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, जिस प्रकार वहाँ गर्दनें तराशी जा रही हैं, भाइयों और बहनों, जिहाद का सच यही है, बिल्कुल यही है। और यह आज से नहीं है, ये आप जहाँ भी जाएंगे, जब भी जाएंगे, आप भारत में ढूंढेंगे तो आपको वो 1989-90 और 90 के दशक के कश्मीर में मिल जाएगा। उससे पहले जाएंगे तो आपको हमारे यहाँ जो विभाजन की विभीषिका हुई उसमें भी मिल जाएगा। उस समय के यदि आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको वो समय भी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ पर भोगदासी बनाकर, सेक्स स्लेव बनाकर हिंदू सिख महिलाओं को लाहौर की मंडी में बेचा गया था। जी, ये सब उपलब्ध है और ये आपको रेफरेंसेस, आपको ये देखने हैं तो वॉइस ऑफ इंडिया की बुक्स में देख लीजिए। वॉइस ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा विभाजन के समय की जो हिंदू सिख के ऊपर जो अत्याचार हुए थे आज के पाकिस्तान में, उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है। उससे पहले चलेंगे तो आपको मोपल्ला नरसंहार मिल जाएगा भारत में ही, और यदि इसराइल में चलेंगे तो इसराइल में तो लगातार जो है वो यहूदियों के नरसंहार होते रहे पिछले 1400 साल से, जिसके कारण यहूदियों को अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना गृह क्षेत्र छोड़ के और जगह जगह भटकना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक बात, एक वायदा उन्होंने अपने बिल्कुल जो रिचुअल होते हैं, जो उनकी परंपराएं होती हैं, जो उनका कर्म कांड होता है, उसका उन्होंने बिल्कुल हिस्सा बना रखा था, और वो ये कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, उनको जेरूसलम याद रखा, उनको जेरूसलम याद रहा, उनको जेरूसलम रोज घुट्टी में पिलाया जाता रहा, जिसके कारण उनकी जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जो उनकी थियोलॉजी में, वो उनसे कभी दूर नहीं रही, सदैव उनके सपनों में रही। और जब उनको अवसर मिला और जब उनको को यह एक जो उनका भ्रम था कि वो किसी को भी प्रेम से जीत लेंगे, वो जब भ्रम दूर हो गया और जब उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम मिलिटराइज होंगे, और यह 1896 में फ्रांस में यह तय हुआ, उनके साथ जब अत्याचार हुए तब ये तय किया उन्होंने, एक सैनिक का ट्रायल हुआ वहाँ फ्रांस में, और उस ट्रायल में उसको जूज था, वो यहूदी था, और उसको गलत ढंग से सज़ा दी गई। और उस समय जब वहाँ के जो नेता होते थे उन्होंने ये तय किया, और बाद में डेविड बेन-गुरियन जैसे नेता आगे निकले और उन्होंने ये तय किया कि हम धीरे धीरे हम उस क्षेत्र में जाएंगे, अपने आप को हम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करेंगे। उसके बाद भी आप देखिए,
1912 में यहूदियों का नरसंहार हुआ, जो इस समय फिलिस्तीन जिसको जो जूडिया का जो एरिया है वहाँ पर, फिर 1920 में हुआ, बाद में 30 और 40 के दशक में लगातार उनके ऊपर हमले होते रहे, लेकिन उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा। आपको ध्यान हो जो संसार के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर्स और सबसे बड़े जो हम ये कह सकते हैं कि डीप स्टेट वाले हैं, जैसे रॉथस्चाइल्ड हैं, रॉकफेलर्स हैं, या जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं यूएस के, उनमें सब में ज्यूज बैठे हुए हैं, और उन्होंने सदैव अपने ग्रुप को पैसों से कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। जहाँ तक इस्लामिक जिहाद का प्रश्न है, तो इस्लामिक जिहाद में तो ये बातें सारी जायज़ हैं, जो आपने देखा कि एक स्त्री को नग्न करके उसको परेड किया जा रहा था और उसके ऊपर नाराय तकबीर लगा रहे थे, तो ये तो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, आपकी बड़ी किताब कुरान शरीफ उसमें 4.3 सूरत अन्निसा का तीसरी आयत, सूरत अन्निसा की 24वीं आयत 4.24। उसके अतिरिक्त आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 23 में आपको मिल जाएगी, मेरे ख्याल से 51-57 वो पूरी की पूरी जो है इसमें सब में जायज़ है। भोगदासी बनाना या सेक्स स्लेव बनाना जो है इसमें अलाउड है। फिर आप 33, 50, 70, 30 इनमें सब में बिल्कुल शत प्रतिशत अलाउड है। और यहूदियों से और जो बहुदेववादी हैं, यानी जैसे हिंदू हैं, उनसे तो दुश्मनी रखनी है, ऐसा भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है 5.82 देख ले। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल आपको शत प्रतिशत जो लिखा हुआ है कुरान मजीद में उसके हिसाब से कह रहा हूँ, रेफरेंस भी देता हूँ। आप तफसीर इब्न कासिर में देख लें, आप तफसीर जो है वो अबुल अला मौदूदी की देख लें, ये साफ लिखा हुआ। तो जहाँ पर इस प्रकार के एक तरह से दैवी आदेश हैं, वहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिहाद 135 बार आया हुआ है कुरान मजीद में, जिसमें लगभग 113 बार जो है वो क़िताल यानी लड़ाई के सूरत में आया हुआ है, और बाकी वक्त वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की सूरत में आया हुआ है, जिसको हम जानते हैं, जिसको हिंसक जिहाद कहते हैं, जो हमारी पाकिस्तानी आर्मी का मोटो भी है। जी हाँ, ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। तो ये इस्लामिक जिहाद में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आपको कतई इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस तरह के हमास के ग्रुप जो हैं, जो हमास आप एक देख रहे हैं, गज़ा जिसको बोलते हैं, लोग इसको गाज़ा बोलते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में, लेकिन इसका नाम है गज़ा। और एक गज़ा जो है इसमें जो ये हमास का ग्रुप है, इस तरह के गज़ा भारत में सैकड़ों हैं, और वे यदि कभी अपने आस पड़ोस पे हमला करेंगे तो वही करेंगे जो यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि सोर्स तो एक ही है ना भाई। इसलिए जिस किसी को भी आश्चर्य हो रहा हो और जिस किसी को भी वितृष्णा हो रही हो, जिस किसी को भी इस बात से घृणा हो रही हो कि कैसे इस प्रकार की बर्बरता, कैसे इस प्रकार की नृशंसता आज 21वीं सदी में हो सकती है, तो भाई साहब ये 21वीं सदी में हो रही है और ये लगातार होती रहेगी, और तब तक होती रहेगी जब तक आप सोर्स कोड पर चर्चा नहीं करेंगे। जो लोग सेक्युलर बनने के चक्कर में ये कहते हैं कि भाई नहीं नहीं देखिए हम किसी के होली बुक पर हम चर्चा नहीं करेंगे, तो भाई होली बुक पर आप चर्चा नहीं करेंगे तो जो हो रहा है उससे संतुष्ट रहिए, क्योंकि यही होगा, यही वहाँ से निकलता है, इसी की बात होती है।
आपको यकीन नहीं आता, मेरी चर्चाएं हैं रॉबर्ट स्पेंसर के साथ, वो आप देख लें। जयपुर डायलॉग्स पे डालिए, जाइए रॉबर्ट स्पेंसर जाके ढूंढिए, जयपुर डायलॉग्स के साथ में आपको वो जो चर्चाएं मिल जाएंगी उसमें सारा सोर्स कोड आपको एक साथ मिल जाएगा। रॉबर्ट स्पेंसर की बुक्स पढ़ लीजिए आप, मेरी नीरज अत्री की जो चर्चाएं हैं वो देख लीजिए आप। एक एक चीज़ हमने खोल के रखी हुई है। आप फतावा आलमगीरी का जो अनुवाद हमने डाला हुआ है वो देख लीजिए, आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई इनकंसिस्टेंसी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। यही जिहाद है, जिहाद का स्वरूप समझने की प्रबल आवश्यकता है सभी को। जो इज़राइल में हो रहा है वो भारत में हुआ है और आगे भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने ये सोचा कि हम पृथ्वी का, अपने जो देश का है, हम एक टुकड़ा इनको दे देंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। जी नहीं, इस्लाम का आदेश है। जी हाँ, सूरत अल अनफाल 39 कि जब तक पूरी दुनिया इस्लाम की ना हो जाए तब तक जिहाद चलता रहेगा। इसलिए आइए हम सब इज़राइल के साथ खड़े हों, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इज़राइल जो है वो किसी आतंकवाद के विरुद्ध नहीं लड़ रहा है, वो इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध लड़ रहा है। और उसमें छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा लेके कोई संतुष्टि नहीं होती है, उन्हें तो सब कुछ चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए। क्या हम और आप दे देंगे यूं ही? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज समय है इज़राइल के साथ पूरी तरह से खड़े होने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।